352 रुपए खर्च करने ने दिल खुश कर दिया, पप्पी बनती है यार। तू वो राजस्थान की अलवर की पुलिस कितनी प्यारी लगती है, अलवर की पुलिस मोड़ो पे यार। छातों ने बचा रखा सबको। गुड इवनिंग गाइस, आई होप सारे कैंड हो गए भाई। आज है दशहरा। सबसे पहले तो दशहरे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भाई क्या करेगी, रावण दहन के साथ साथ तुम्हारे सारे पाप भी आज दहन हो जाएं। हमारी तो यही प्रार्थना है भाई। और भाई अभी टाइम हो चुका है 4:30 और मैं निकल रहा हूँ अलवर के लिए। विनीत से बात हुई है, हन्नी से बात हुई है, सो फटाफट से रेडी हो जाओ। आपको आज अलवर का दशहरा दिखाएंगे पूरा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ठोक देना और बेल आइकन को जोर दबा लेना। चमक रही है मेरी डार्लिंग, शाबाश, ऐसे साफ रहा करो। वेदर अभी ऐसा हो रहा है ना, कोई पता नहीं भाई कब बारिश होने लग जाए। अभी तक मेरे को जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, चेती चेती कर लो। भाई विनीत कह रहा था कि 5 बजे तक अलवर आ जाना और मैंने भाई 5 तो अभी यहीं बजा दी रामगढ़ में। अब भाई गाड़ी की स्पीड को खींचते हैं फटाफट से और कुछ हो जाए ना हो भाई, इस टेम्पो से मेरी रेस हो गई भाई। जब से बुखार है 80 से ऊपर, खतरनाक पौंड वाले भैया। ये तिराए के आसपास तो बड़ी सोलट बारिश हुई है, पूरा रोड गिला हुआ पड़ा है, थोड़ा सा खेतों में साइड में भी ना पानी सा भरा हुआ है। तो मतलब भाई बारिश तो हो रही है, कहीं अलवर ना बारिश हो रही हो। अरे भैया बारिश बारिश ही होने लग गई। और भैया एक बात बता दूं सबको, जो भी रामगढ़ से आते हैं फटाफट से आने वाले 5-10 दिनों के अंदर अपने सारे काम खत्म कर लो अलवर वाले। भैया टोल टैक्स चालू होने वाला है, महंगा पड़ जाएगा आपको। ऑफ रोडिंग करके ना गाड़ी भी ना बज रही है, जैसे जंप कर रहा है कुछ भी आता ना भाई, इतनी आवाज कर रही है ना। विनीत मेरा वेट कर रहा है शोरूम है एक मोची का उसके बाहर। ज्वाइन कर लिया क्या? मोची थोड़ी है, कोल्ड है भाई। अच्छा मेरे को लगा मोची बन गया, मेरे को लगा मोची बन गया। ओ वाओ गाइस देखो विनीत हमारे लेके आए वीआईपी पास। अब इन पासेस के हम करेंगे, हम कौन सा चेयर पे बैठेंगे वहाँ? अरे चेयर पे मजा आएगा, चेयर में मजा आएगा। हमने शूट करने हैं, मजे नहीं लेने हैं। करेंगे ना है भाई, शूट करेंगे। पीछे से आ रही जागी, देखो सारी सजावट सजावट हो रही है। और रास्ते में भाई पूरा इंजाम इंजाम भी कर रखा है, कहीं रास्ते में कचोरियां मिल रही है, कहीं क्या मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है, रामलीला मैदान। यहाँ से थोड़ी सी आगे है जैसे सीपीएम है, सीपीएम के जस्ट पीछे ही। और पुलिस पुलिस वाले भाई सारे सेटअप लगा के बैठे हैं अपना। भाई इतने पुलिस वाले ना तो जल्दी लगा ले बेल्ट, कोई भरोसा नहीं है भाई। पुलिस वालों का दिमाग खराब ही होता है आधा सा, जो पुलिस वाले देख रहे हो तो बुरा मत मानना भाई हो। कभी पता लगे मेरे को रामगढ़ में रोक के चित्र मार रहे हो। अरे पूरा मेला शेला लग रहा है। हाँ माहौल है पूरा। तो एंट्री तो नहीं है यहाँ पे गाड़ियों की? देखो एक बार, ओए रावण का नहीं है, इतनी दूर है क्या? एंट्री नहीं है भाई, एक काम कर। फुल पुलिस है भाई यहाँ तो। भाई होंगे मेरे ख्याल से 85-80 फुट के आसपास होंगे। हाँ ये तो नहीं, रावण 85-80 फुट के आसपास है। बाकी वो तो भाई मौसम देख ना कड़ा हो रहा है यार, बन गया एकदम से ना, गारंटेड मी आएगा और सब कुछ धुल जाएगा। कभी इनका रावण भी ना जले। तो पहले यार फटाफट से पार्किंग ढूंढते हैं गाड़ी की, इसको लगा के आता है पुष्पा को पार्किंग। यार मेरा हर बार ना प्लान फेल हो जाता है। हमने सोचा कि करनी माता जाएंगे तो अपनी थोड़ा सा अलवर वाला एक्सप्लोरर है जो थोड़ा सा वो हो जाएगा प्रमोट, तो वहाँ भी प्रमोट नहीं कर पाए। और भाई अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं है। तो राजस्थान की अलवर की पुलिस कितनी प्यारी लगती है, अलवर की पुलिस मोड़ो पे यार भाई अल्टीमेट लग रहे हैं यार भाई, मजा आ गया। पुष्पा को तो मिल गई पार्किंग शानदार सी, माहौल चेक करो अब भाई। मेरे को लग रहा है कि रावण ऐसे ना उड़ जाए हवा में, वो
ये मौसम क्या करेगा भाई, उम्मीद नहीं है मेरे को। शुरू कर दे एक साइड में रावण को, यहाँ काम खराब हो जाएगा। जल्दी से शुरू करें, ये जब ही रैली जल्दी निकाली है उन्होंने ना, इसी वजह के साथ में जो इंस्टेंट एकदम से भगदड़ मच गई है ना। ना 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 बाहर से जा भाई, माहौल बन रहा है खतरनाक सा भाई, बारिश आ गई और माहौल हो गया खराब। रावण सच में बिल्कुल टेढ़ा हो गया है ना। क्या बात है अंकल जी, भाई मेरे को मारेगा तो नहीं है? थोड़ा यूज करो यार, क्या कर रहे हो? चलो फटाफट चलो, कहाँ से एंट्री है? चलो इसकी टीमें भी बहुत तगड़ी आ रखी हैं यार, क्योंकि कोई ना कोई पंगा होने का भीड़ भाड़ में ना, तो उससे बचाव के लिए यार पुलिस तो ऑब्वियस ही बात है कि होनी चाहिए। तो एंट्री अपनी होने वाली है पासेस दे के। और पाजी सत श्री अकाल। लो भाई वीआईपी एंट्री मिल गई है, ये फट गए। आ गई बारिश आ गई। तो फुल क्राउड हो गया है, देखो तो पहले थोड़ा बिजली के बाल वाल सेट कर दे भाई। सीरियसली यार, जब से बारिश हो रही है यार फुल भीग रहे हैं अभी तो। इन्होंने और 10 मिनट में ये कार्यक्रम स्टार्ट ना किया ना भाई, फुल भीगने वाले हैं फुल। और ये रावण भी नहीं जलना मेरे को लग रहा है। आरती वारती स्टार्ट हो गई है उधर स्टेज के ऊपर, वहां पे ना वहां पे आरती हो रही है। इतनी छातों ने बचा रखा है सबको, और इतनी भयंकर बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, सारे गीले हो गए। तो उत्साह है ना बिल्कुल कम नहीं है भाई। भाई फुल आतिशबाजी, आतिशबाजी का फुल सीन चल रहा है। चलो तुम गाइस क्राउड दिखाता हूँ, गाइस क्राउड देखो।
भाई क्या पुष्प वर्षा हुई है यार, वाह। सबसे पहले कुंभकर्ण का वध हो गया भाई, कुंभकर्ण का। बट बारिश से यार थोड़ा गीला हुआ पड़ा है, बात नहीं बन रही भाई। बारिश से गीला होने की वजह से चार बार इन्होंने आग लगाई है। कुंभकर्ण के सिर से धुआं निकल गया पर आग नहीं लगी इसको। चार बार आग लगाई है। भाई मेघनाथ का धुआं निकल गया, बाकी चला नहीं। फाइनली मेघनाथ अब चला है भाई। वेट हो रही थी भाई, लेट जाती भाई, लेट जाती भाई, लेट जाती। क्या लो कैसे एंट्री मिली है बिना पासेस के? मिल गई पास भी आएगा तो वीआईपी आएगा, वीआईपी बंदे तो वीआईपी पास आएगा। भाई फाइनली रावण, रावण में बम पटाके जोर के बजने चाहिए। रावण में इतना धुआं कैसे हो गया यार, हमारे कैमरे ब्लॉक कर दिए। धीमा चलेगा ये, जरा धीमा धीमा चलेगा, कैसे थोड़ा दिखाओ ना आप भी धीमा धीमा चलेगा। दीप जी क्या हाल है? बढ़िया। क्या हो? बढ़िया। जब कुंभकर्ण और मेघनाथ चार बार में जला है तो रावण एक बार में कैसे चल जाए? रावण एक बार में कैसे चल जाए? इतनी जल्दी भगती है क्या करे? अरे आना, कोई दिक्कत नहीं, आने दे यार। क्या बात है भाई, जयपुर से आए हो? क्या बात है, मजा आ गया। हमारे अलवर का दशहरा देखने स्पेशल जयपुर से बंदा आया गाइस। फाइनली ऑल डेड, ऑल डेड, फाइनली ऑल डेड। आ जाओ, जहाँ पार्किंग लगाई है ना, उम्मीद नहीं है हम निकल जाएंगे यहाँ से। खतरनाक क्राउड, जाम लग गया भाई पूरा। जो भी है बट अपनी पुष्पा सेफ खड़ी है, पुष्पा इज माई लव। चेक करते हैं कहीं पे भी किसी ने कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी, क्योंकि पिछली बार मेरा सिद्धू मूसे वाला कोई उपाड़ के ले गया था, अब सेफ है।
सो फाइनली गाइस, बुराई पे अच्छाई की जीत हो चुकी है। मैंने आपको सारा का सारा दशहरा दिखा दिया और भी विनीत ने भी मेरा पूरा साथ दिया। थैंक यू भाई विनीत, मजा आया। अगर विनीत पास ना देता ना तो वहां जहां हम घुसे थे ना वहां घुस ना पाते भाई। पुलिस वालों ने हमको ना बिल्कुल आगे रोक लिया, क्योंकि पहले मैंने क्या किया कि रैली मैंने शूट नहीं की थी, फिर मेरे को रैली शूट करनी थी जो ये आ रही थी, जो मार्केट से आई थी, जो पहले वाली थी वो अलग थी। तो भाई फटाफट से हमने रैली को शूट किया, उन्होंने पासेस फाड़ दिए थे, उन्होंने एंट्री वापस देनी पुलिस वालों ने। फिर बाय चांस मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया और दिल को इतनी खुशी हुई कि वो सब्सक्राइबर क्या था, गेट पे वो क्या कहते हैं उसको, पास वगैरह चेक, हाँ गेट पे पास वगैरह भाई चेक कर रहा था जो मेरा सब्सक्राइबर था भाई। सीरियसली उस बंदे ने सीधा एंट्री अंदर करवा दी, पुलिस वालों को भी बोला कि इसको आने दो। यहाँ से फीलिंग आई कि मजा आ गया, आई थी ना फीलिंग बढ़िया वाली आई थी भाई। भाई यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दब के ठोक दो। और अभी यार हनेर आए हुए थे, हनेर को फोन करते हैं कि वो कहाँ है। चलो गाइस अब जीत की खुशी में थोड़ी सी तफरी मारते हैं। या हाँ शो मर्सी ऑन इट। भाई हनी ने जिंदगी में पहली बार अपने जेब से कितने रुपए खर्चे हैं, 352 रुपए खर्च के हनी ने दिल खुश कर दिया, पप्पी बनती है यार। तू किराया लगेगा 100 रुपए। भाई 100 रुपए दे दे इधर, तूने पैर कैसे रखे इसके ऊपर। सुनो मेरी बात सुनो, अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, रुको आगे बंद करो, सारे लंबी सांस लो और फील करो इसमें कौन सा टेस्ट आ रहा है बताना था। चलो गाइस हमको कभी भी ओरियो शेक पीने का मन करता ना भाई, हम तो हेमंत शेक आते हैं आके बंद करके, फुल मजा आके बंद करके। अंदर भी है, अंदर वाली है, वाली भी ग्लास पान डाल के लाके पी ले। तो गाइस अभी ओरियो शेक एंजॉय कर लिया है और यहाँ पे भाई दोस्तों के साथ भी अपनी फुल मस्ती हो गया है। हनी इस टाइम टू से गुड बाय, बाय बाय करने का टाइम है गाइस। मेरे को भी जाना है घर पे, मेरे घर वालों का फोन आ रहा है। सो आज हम इतना ही बोलते हैं, फुल मजे किए, फुल एंजॉय किया। हनी री लेट आए थे यार, हनी है लेट हो गए काम है। चलो कोई बात नहीं गाइस, अगली बार जल्दी आएंगे। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और हनी निकलता है अपने घर के लिए। बाय। गाइस फुल मस्ती वस्ती हो गया यार, अब थक गया हूँ मैं और फैमिली भी घर पहुंच गई है, फैमिली का भी फोन आ गया। मैं भी फटाफट से घर निकलता हूँ और आपको डायरेक्ट मिलते हैं अनंत के पास। अरे अनंत, अनंत आ गया। अरे क्या स्टडी कर रहा है अनंत का, स्टडी पे ध्यान है गाइस। देखो 4 आइसक्रीम, आइसक्रीम से तुम्हें पता है ना, ये नहीं पता 4 लिखना है, 4 आइसक्रीम खा गया। आइसक्रीम खा रहे साली, हो गया चलो खा लो खा लो और खा लो। अभी भूख लग रही, भूख लग रही होगी ना, खा लो। अभी अनंत स्टडी कर रहा है तो अनंत को स्टडी करने देते हैं और भाई हम करते हैं थोड़ा सा आराम, थक गए हैं। 4 बजे से निकला हुआ था, अब 9:15 हो गए और हम मैं कर रहा हूँ आराम से। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल पर नए हो तो, और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहो गाइस। 2K होने वाले हैं, फटाफट से 2K करवा दो जल्दी से जल्दी, फिर 2K पे बहुत शानदार वीडियो आने वाली है। और इसका ये देख लो, इसकी नेतागिरी देख लो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। I love you still, and you know I always will, till the end of time, I won't change my mind.